सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया गोस्वामी, आप सभी देख रहे हैं बी न्यूज रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विधान भवन के तिलक हाल में उत्तर क्षेत्र अल्पसंख्यक कल्याण समन्वय बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ ही मेजबान उत्तर प्रदेश के साथ 9 राज्यों के मंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बैठक का उद्घाटन करने की बात कहा कि किसी भी हालत में किसी भी राज्य में मदरसों को बंद करना किसी बड़ी समस्या का हल नहीं है। हमको मदरसों को मॉडर्न बनाना होगा। मदरसों को बंद करना कोई हल नहीं, मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। मदरसों को कंप्यूटर से जोड़ना होगा, इसी तरह से संस्कृत विद्यालयों में भी मॉडर्न करना होगा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अल्पसंख्यक कल्याण की नई नई योजनाएं बना रही है, राज्य सरकार भी उसका अनुपालन करने में लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मदरसों को बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना जाना चाहिए। हम तो संस्कृत विद्यालयों से भी कहते हैं, वह अपने यहाँ पारंपरिक शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी, कंप्यूटर व आधुनिक विषयों की शिक्षा दें। नॉर्थ जोन के राज्यों के अल्पसंख्यक मंत्रियों की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में बिना भेदभाव के हर तबके की विकास के लिए तत्पर है। शासन की सभी योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाने का कार्य करना है। प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी तब बहुत सारी आशंकाएं थी, कुछ लोगों के बजट में कटौती होगी, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही चटकदार खबरों को जानने के लिए देखते रहे डेली न्यूज रिपोर्ट। धन्यवाद।